सो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है गाइज सब भाई हमारे खैरियत से ही होंगे। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है, छत पर आ चुका हूँ गाइज मैं दौड़ कर। कबूतर वबूतर गाइज हमने सारे अपने ओपन कर लिए अपने। गाइज सारे जो कबूतर है ना सारे धूप का मजे से ले रहे हैं आराम से। ये देखो पर बंधा हुआ काला बच्चा भी ऊपर बैठ गया। चलो नीचे 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 नीचे। तो गाइज ये भी नीचे उतर चुका है। सारे कबूतर अपने ओके तरीके से बड़े तरीके से फिर रहे हैं। एक कबूतर अपना पिजन स्टैंड पर भी अभी बैठा हुआ है। गाइज बहुत मज़ा आ रहा है अभी, कबूतर सारे खुले हुए हैं। लोगों बागों के कबूतर भी गाइज कुछ उड़ रहे हैं। तो अभी तो गाइज हमने इनको फीड वीट कुछ नहीं कराई, अभी तो गाइज ये ऐसे ही बैठे हुए हैं रिलैक्स। गाइज यार अपने सेटअप पर अभी ना एक वाइट पिजन आकर घूम रहा है, मुझे नहीं पता यार किसका है। इधर इधर जंगलों की साइड जो है वो घूम रहा है। ये चेक करो गाइज अभी आ रहा है सीधा, तो आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखो ये गाइज टर्न ले लिया इसने, दोबारा से ये घूम चुका है। ये रहा गाइज, शायद ही आपको कैमरे में चमक ही रहा हो ये। तो ये गाइस किसी का वाइट पिजन आया हुआ है, हमें नहीं पता यार ये किसका है। तो अभी हमने सारे अपने कबूतर ओपन कर रखे हैं, अभी आ रहा है गाइस। तो मैं अपना एक आधा कबूतर फड़कड़ा लेता हूँ। ये आया गाइस पिजन स्टैंड के ऊपर, ये जा रहा है गाइस। तो गाइस मैं तो अपने सारे कबूतर अभी ऊपर ऊपर को करता हूँ। चलो 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 चलो, ये देखो गाइस सारे कबूतर मैंने करे ऊपर को, मगर वो कबूतर जो है उधर ही घूम रहा है और उधर ही गिरने की ट्राई कर रहा है। मुझे लगता है यार उधर भी एक भाई जो है कबूतर पालते हैं, तो उनका ही है वो उधर घूम रहा है गाइस। तो यहाँ से हम अपनी सहारनपुरी फीमेल उतार लेते हैं। ओ भाई यार ये कभी भी ना नीचे गिर जाती है, तो मैंने इसको पकड़ के अभी नीचे उतार दिया है माशाल्लाह। ये देखो गाइस सारे मैंने पिजन अपने पिजन स्टैंड पर लगाए। एक और न्यू पिजन आ चुका था, वो भी गाइस चला गया। वाइट वाइट पिजन आ रहे हैं यार, मगर अपने अड्डे पर ना कोई कबूतर यार बैठ ही नहीं रहा है। तो अभी यार पता नहीं कबूतरों के अंदर जान है, अच्छे तरीके से उड़ते हैं, अच्छी नस्ल के कबूतर हो गए अब, इसलिए ना अपने छत पर कोई सा कबूतर आ नहीं रहा। चलो यार कोई बात नहीं, अपने तो सारे कबूतर खुले हुए हैं, देखते हैं वो वाइट पिजन जो है यहाँ पर उड़ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि गाइस वो कबूतर जो है इधर वाला है, तो वो कबूतर बाहर का तो गाइस है नहीं। और अपने यहाँ पर देखो कुछ कबूतर इधर आ गए, इनको भी इधर को कर देते हैं। यार ये पर बंधा हुआ कबूतर ना किसी दिन भागेगा, इसी तरीके से करता रहता है ये अच्छा है कि हमने इसके पिन से पर बांधे हुए हैं ना, तो गाइज ये थोड़ा सा उड़ लेता है। देखो ओ चला गया। ओ गाइज यार यहाँ पर चेक करो यार, अपना जो कैमरा ऑफ हो गया था, नहीं तो गाइज आप मंजर देखते। ये ना ये गाइज बिल्कुल ढीली बंधी हुई थी ज़्यादा ओवरलोड से। देखो हमारा पिजन स्टैंड ना आड़ा हो गया, सारे अपने कबूतर जो उड़ चुके थे बड़ी मुश्किलों में भी बैठे। एक तो गाइज ये उड़ रहा है अपना कबूतर नीचे नीचे, और एक जो है अपना सहारनपुरी मेल जो है वहाँ पर जाकर बैठा है, जो कि हम न्यू लेकर आए थे, जिसका हमने नाम मुर्गा रखा हुआ है ना वो। तो गाइज यार सारे कबूतर अपने डर गए थे। देखो एक ही आ रहा, बहुत खतरनाक गाइज मंजर हो चुका था। सारे कबूतर गाइज टेढ़ी मेढ़ी हो गए, देखो किस तरीके से बैठे हुए हैं, बिल्कुल डरे डरे हुए बिल्कुल। गाइज ये आड़ा हो गया, तो यार इसको अभी दोबारा से ऊपर करते हैं हम, और आपके इसको अच्छे तरीके से बांधेंगे गाइज, जो ये बिल्कुल भी परफेक्ट रहेगा गाइज, बिल्कुल भी ये गिरे नहीं। तो जल्दी से इसको बांधते हैं दोबारा से। तो गाइज उम्मीद है आप सभी भाइयों को दिख रहा होगा, तो मैं चाहता हूँ अभी इसको ऊपर करके आता हूँ। सो गाइस फाइनली देखो मैंने बांध दिया है ये दोबारा से अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से मैंने आपके रस्सी बांध दी। अब देखते हैं यार आपके ना गिरे, ज़्यादा ओवरलोड से यार जो है ना ये गिर जाता है। तो अपने कबूतर भी बहुत सारे उड़ गए थे, आपने देखा ही होगा, तो वे पता नहीं किधर चले गए। कुछ तो पिजन स्टैंड पर बैठ गए, ये देखो तीन उड़ चुके हैं गाइस बिल्कुल न्यू न्यू पिजन। गाइस यार आज तो बड़ा ज़्यादा खतरनाक सीन हो चुका है, तो इनको बस जल्दी जल्दी से बिठालते। कबूतर भी यार डर रहे हैं, तो इसलिए ऊपर ऊपर नहीं बैठ रहे। चलो 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 चलो, देखो तीन कबूतर गाइस, लक्कड़ जो बेरी खेरा जो भी गाइस आता है ना बाज बाज गाइस एकदम मार देंगे, ऐसा मौसम चल रहा है। तो कबूतरों को हम ऊपर बिठा रहे हैं ताकि अपने कबूतर आ जाए, पिजन स्टैंड के ज़्यादा लगे हुए हैं अपने कबूतर। चलो यार कबूतर देखो कितना डर रहे हैं, उड़ ही नहीं रहे हैं। आह थोड़ा सा रेता ही डाल देता हूँ गाइस, क्योंकि दाना नीचे रखा हुआ है, क्या पता इनसे ही आ जाए। लो आह ये देखो ये देखो ये देखो कबूतर आ रहे हैं रेते को दाना समझ के।
तीन गाइस न्यू कबूतर उड़ चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब इनको किस तरीके से गिराए, अपना एक कबूतर उधर भी जाकर बैठा हुआ है, वो वाइट जो छत है ना चमक रहा होगा गाइस आपको, वहाँ पर बैठा हुआ है। और ये तीन कबूतर उड़ गए गाइस अपने न्यू एकदम, तो इनको हल्के हल्के उतारते। तो गाइस जो अपने कबूतर उड़ रहे हैं ना, चलो वो तो आ ही जाएंगे, जो अपना गाइस सहारनपुरी मेले ना उनकी छत पर चलते हैं और वहाँ से गाइस उड़ाते हैं इसको। यार बहुत ज़्यादा खतरनाक जो सीन बन चुका है, तो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं। ये देखो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ छत पर उनकी, और बिल्कुल गाइस सामने बैठा हुआ है मेल। बस गाइस ये उड़ के कहीं और ना भाग जाए, बस ये अपनी छत पर आ जाना चाहिए। ये उड़ गया गाइस, ये उड़ गया, ये उड़ा उड़ा तो है। बैठ जा भाई, बैठ जा। ये गाइस पिजन स्टैंड पर जाकर फाइनली बैठ चुका है। तो अब अपनी गाइस टेंशन एकदम फ्री है, जो ऊपर दौड़ रहे हैं ना वो तो गाइस आ जाएंगे, बस देरी ना आए गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उनको भी जल्दी से जाकर गिरा लेते हैं। चलो गाइस दोनों कबूतर ना हाइट में जा चुके हैं, तो यार मैं सोच रहा हूँ इनको किस तरीके से उतारें, मुझे तो कुछ गाइस समझ में भी नहीं आ रहा है। तो गाइस मैं हल्की हल्की छेड़ तो दिखा रहा हूँ इनको। इधर की साइड गाइस उड़ रहे हैं अपने दोनों कबूतर, और एक कबूतरी जो है ना गाइस सहारनपुरी फीमेल है, जिसका हमने न्यू जोड़ा लगाया, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा। तो गाइस यार उसको तो एकदम बेरी ले जाएगी क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कम पर हैं। चलो ऊपर बिठा रहा हूँ गाइस मैं धीरे धीरे कबूतर, ताकि अपने कबूतर आ जाए गाइस सहारनपुरी जो है फीमेल जल्दी से आ जाए। चलो ये देखो कबूतर अपने फड़कड़ा रहा हूँ मैं। चलो गाइस यार थोड़ी सी फीमेल ना नीचे आ चुकी है, जो अपनी सहारनपुरी फीमेल है ना थोड़ी सी नीचे आ चुकी है गाइस, और पता नहीं किस किस के भी कबूतर आ रहे हैं, तो हमें किसी से नहीं लेना, पहले गाइस हम अपनी सहारनपुरी फीमेल गिरा लेते हैं। इन कबूतरों को मैं फड़कड़ा रहा हूँ क्योंकि फड़कने से जल्दी बैठ जाएगी वो, क्योंकि उसके पर भी थोड़े कम हैं। किधर चली गई, ये आई गाइस छत में ही आ चुकी है। चलो 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 देखो इसका ये मेल, जिससे हमने इसका न्यू जोड़ा लगाया है, तो ये आ रही है, देख देख के जल्दी जल्दी आ जाए। ये देखो ये फड़कड़ा है मैंने दो कबूतर और, तो ये पटपटी मार रही है गाइस इधर की साइड। इन वाले कबूतरों को भी करते हैं जोरा थोड़ा सा गाइस। देखो यार डर ही नहीं रहे, ये डरा, ये डर गया गाइस। अब जो है गाइस यार मैं ना अड्डे पर से भड़की लगाता हूँ डंडी से, तो आपको ये भी दिखाता हूँ जब ही गाइस ये बैठ पाएगी, क्योंकि अड्डे पर ही आकर बैठती है। ये देखो मैं इस तरीके से फड़कड़ा रहा हूँ, और ये आ रही है गाइस बिल्कुल ऊपर कबूतरी। चलो ये देखो गाइस इस तरीके से मैं फड़कड़ा रहा हूँ, और बस यार गाइस जल्दी से कबूतर आ जाए। ये चेक करो गाइस इनको मैं एक एक करके फड़कड़ा रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी गाइस आ रही है वो भी ऊपर वालों करते हैं। ये देखो ओ सहारनपुरी मेल ही आ गया। चलो 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 ये देखो गाइस इस तरीके से ये भड़की लगा रहे, तो बस इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएगी। डंडी को अब रख देते हैं, ऐसा ना हो कि गाइस ये डंडी से डर के उड़ जाए। बस गाइस बैठने वाली है, आ तो रही है नीचे। ये आ गई गाइस, ये रही आपसे भाइयों को चमक रही होगी, जा चुकी है अभी पीछे, किधर गई। और ऊपर गाइस अपना मेल है कागजी, दो उड़े हुए थे, सहारनपुरी फीमेल गाइस ये आ चुकी है, ये चली गई, ये आ गई गाइस, ये आ गई, बस बैठ रही है गाइस। मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ अब, हल्के हल्के गाइस इसको आवाज़ देता हूँ मैं, आवाज़ से आ जाएगी। देखो आवाज़ से किस तरीके से आ रही है गाइस ये। थोड़ा सा गाइस ना रेता डाल देते हैं, ताकि ये सोचे कि दाना खिलाया जा रहा है। लो ये देखो ये आ गई ये आई गाइस। ये देखो गाइस ये आ गई गाइस बिल्कुल नीचे, ये चली गई गाइस नीचे नीचे ही, ये आ गई गाइस, ये आई है, ये आई, ये फिर चली गई गाइस बिल्कुल नीचे नीचे उड़ रही है, ये आ गई गाइस सामने से, और ये आके बैठ जा। सो गाइस फाइनली
ये आकर बैठ गए अपनी सहारनपुरी फीमेल। गाइस इसके बिल्कुल भी पर भी नहीं है, तब भी गाइस ये जो है उड़ रही है। चलो गाइस ये तो अच्छी बात है कि यार ये कम से कम आगे गाइस, क्योंकि बेरी वेरी का जो बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है, कोई भी अपना कबूतर नहीं उड़ा रहा। नीचे नीचे एक दो कबूतर उड़ते रहते हैं और गाइस नहीं उड़ रहे, कोई भी अपना कबूतर बिल्कुल भी नहीं उड़ा रहा है। तो चलो हमारी तो कबूतरी आ ही चुकी है गाइस। तो गाइस 10 मिनट से ऊपर का ब्लॉग हो चुका है यार, पता ही नहीं चला। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग पसंद आया तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।